के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य लंबित मांगे पूरी नहीं होने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया है। दोपहर 3 बजे तक किसान रेल रोको आंदोलन समेत अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर अपनी बातों को सामने रखेंगे। इसके साथ ही नाभा में पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों के आंदोलन को लेकर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, वहीं पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। वहीं बात करें अमृतसर की तो अमृतसर में भी काफी संख्या में किसान सड़क पर उतरे और मांगे पूरी करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई है जहां पर बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे और बाकायदा रेल रोको अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए बड़ी संख्या में किसान उतरे थे। ठीक इसी तरह से तस्वीर नाभा से भी सामने आई और अमृतसर भी से भी सामने आई, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद की कॉल दी थी और आज सुबह से ही अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई है। 3 तस्वीरें आप ये देखिए, पहली तस्वीर जालंधर से, दूसरी तस्वीर नाभा से और तीसरी तस्वीर राजपुरा से, जहां पर एक तरफ किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद की कॉल दी थी और खास तौर पर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय तय किया था जब रेल रोको अभियान को गति दी जाएगी। हालांकि तमाम परिस्थितियों को संभालने के लिए पुलिस बल को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया था ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके और परिस्थितियों को संभाला जा सके। 3 तस्वीरें आप ये देखिए और कमोबेश इसी तरह की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से और भी सामने आई है और वहाँ पर भी इसी तरह के हालात देखने को मिले। हालांकि ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर खास तौर पर देखने को मिला, ट्रेनें कई जगह की प्रभावित दिखाई दी और लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पहली तस्वीर आप जालंधर की देखिए, दूसरी तस्वीर नाभा की और तीसरी तस्वीर राजपुरा की।